राम राम भाई के अला सभी के बनारस एक्सप्रेस के बने के लिए हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि कल होने वाली नागनाथैया यानी कि आज अभी नागनाथैया में हम लोग चलेंगे और भीड़ भी धीरे 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 बढ़ रही है। अभी हम लोग डुमराव बाग कॉलोनी में खड़े हैं और थोड़ा पहले ही आ गए हैं, चल के थोड़ा वहाँ का व्यवस्था देखेंगे और कैसे कैसे क्या क्या पूरी चीज़ें वो बताएंगे। आप एक अच्छा सा जगह हमको पहले खोजना कि जहाँ से अच्छा शॉट आ पाए, क्योंकि मेरा ये पहला है नागनाथैया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यहाँ रह के भी नहीं देखे हैं, तो वहाँ चल के ये पता लगेगा कि भीड़ तो होने वाली है और वो पता लगेगा इस बार भीड़ रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं तोड़ती, वहाँ चल के ही पता लगेगा ये चीज़। और अभी हम लोग चलेंगे, पहले चलेंगे यहाँ से तुलसीघाट महन जी के घर पर, वहाँ से पहले देखेंगे, वहाँ से अच्छा व्यू आएगा तो वहीं से लेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे नीचे का व्यवस्था देखेंगे। नीचे अगर हो जाए तो पास तो हो गया जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे ज़्यादा अच्छा जुगाड़ हो जाएगा तो नीचे से अच्छा से लेंगे वीडियो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल पर जुड़े रहना और वीडियो को पूरा देखना। पुरुष के लिए मतलब लड़कों के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया, आदमियों के लिए सीधे सीधे, और महिलाओं के लिए इधर से व्यवस्था है। ये जो है तुलसी घाट पर भी हम खड़े हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं महन जी के आवास से। उधर ही देखिए VVIP व्यवस्था पूरी बनाई गई है अधिकारियों के लिए और स्पेशल गेस्ट उनके लिए। तो यहाँ से देखिए अधिकारियों के लिए व्यवस्था बनाया गया है इधर से, जैसे कि जो VVIP अधिकारी जैसे होंगे SDM DM SSP उन लोग के लिए पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ से बैठ के वो नागनाथैया पूरा देखेंगे इस जगह से और पूरा सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से सामने व्यू मिलेगा और उस साइड आपको लेके चलते हैं, उधर चले दिखाते हैं आपको। इधर का मैंने कल वीडियो बनाया था, यहाँ पूरी काम चल रही थी पूरी। और इधर देखिए पूरा घेराबंदी किया गया है नाव से, इसके अंदर ही लीला होगी। ये देखिए पूरा रस्सी से बांधा गया है नाव को, एक नाव से दूसरी नाव जोड़ी गई है। उधर से दादा साहब बैठ के आएंगे रामनगर के, वो बैठ के वहाँ से देखेंगे। और इधर से महन जी, इधर से महन जी देखेंगे, उधर से राजा साहब देखेंगे और अभी कुछ समय में एक दो घंटे में भी लीला स्टार्ट होगी। यहाँ देखिए सर द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कैसे कैसे क्या चीज़ों को हैंडल करनी, जैसे कि आज बहुत सारे लोग साइड के होंगे, उनके यहाँ ड्यूटी लगी आज, हाँ तो बाहर के लोग उनके यहाँ ड्यूटी लगी, तो उनको बताया जा रहा है कैसे। तो ये देखिए लोग पहली बार इनको यहाँ आइडिया नहीं है, इसीलिए पूरा निर्देश दिया जा रहा है। एकदम ध्यान है, भरपूर ध्यान है संकल्प का ये साकार रूप धीरे धीरे देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। इधर क्या है कि इधर से मीडिया और प्रेस के लोग प्लस पासेज जिसके पास है और डमरू दल ये लोग बैठे हैं। देखिए पूरा जो लीला होता है पूरा पानी में होता है, देखिए पूरा NDRF पूरी छपी हुई है। इधर देखिए माखन मिश्री खाकर विश्राम कर रहे हैं, ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज में देख रहे हैं लाइफ जैकेट में पूरे NDRF की टीम है और उधर से अच्छी निवेश राजा भी आई रहे होंगे, तो उसकी NDRF की टीम पूरा छपी रहती है, जायजा लेती रहती है। ये देखिए देख रहे हैं जाके यहाँ हम लोग जो राजपथ की व्यवस्था है वो परिपालन करने का क्रम जो है हमारे राजा करते हैं और राजा फैलाने
यहाँ देखिए मोहन जी आ गए हैं, अब इसके बाद लीला आरंभ होगा, जो उनके परिवार के सदस्य हैं लोग। काले हृदय में अब देखिए भगवान की श्री रामा जी के द्वारा बनाई हुई कंदुक भगवान ने फेंक दी है और श्री रामा जी बार बार भगवान से व्यवहार कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं अरे श्री रामा तुम्हारे गेंद को एक नहीं, चलो घर पे चलो तुमको दो गेंद बना के दूंगा, बना के दे दूंगा। बोले की कनुआ रामा ने कहा कि नहीं नहीं मुझको तो वही गेंद चाहिए, भगवान उसको लेने के लिए, भगवान उसको लेने के लिए Thank you.
यार भाई साहब पहली बार मैंने ये नागनथैया देखा, पहली बार है, लेकिन ये हर बार से कम भीड़ है, हर बार से कम भीड़ है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी और हर बार से कम भीड़ है। मैंने देखा है डीसी साहब को कि भैया सबका क्लास लगा दिया, जितनी पुलिसकर्मी है सबको एकदम साफ साफ निर्देश दिया गया अच्छे से कि भैया देखिए कि इस बार पानी बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सब कुछ अच्छे से ध्यान दें। तो अब आप नेक्स्ट ईयर अगर इस साल आपसे छूट गया तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएँ। और मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, देखिए पूरा नाव से घेराबंदी की कर दी जाती है, बीच में कोई नहीं जा सकता, हालांकि पानी बढ़ा तो कहीं कहीं सीढ़ियाँ भी हैं, हमसे जितना हो पाया उतना मैंने कवर किया आराम से आराम से आराम से। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा।